नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे सस्ते पेंसिल्स के बारे में, और ख़ासकर बहुत सारे आर्टिस्ट और बिगनर्स मुझसे खासकर पूछते रहते हैं कि हमें आप सस्ती चीप पेंसिल्स के बारे में बताइए जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं आर्ट में, और जो महंगे प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते जैसे कि स्टैडलर हो गया या फिर फेबर कैसल की प्रीमियम पेंसिल्स हो गई या जनरल्स पेंसिल हो गई, तो उनके लिए है ये वीडियो स्पेसिफिकली। और काफ़ी लोग मुझे रिव्यू करने के लिए बोल रहे थे चीप पेंसिल्स को, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपके सामने इन पेंसिल्स के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि चीप पेंसिल्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मेरे लिए फ्रेंड्स, आप अगर आप जब स्किल्ड हो जाते हैं, मेरे लिए जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि जब आप किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आपको। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, आप रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं, और क्योंकि आपके प्रोसेस होते हैं उसमें क्लैरिटी होती है, आपको पता होता है किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए व्हाटएवर बी द प्रोडक्ट्स, एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा एक अच्छे रिजल्ट्स पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैं चीप पेंसिल्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस पेंसिल के बारे में, जो कि है अप्सरा की पेंसिल, और ये बहुत चीप पेंसिल है फ्रेंड्स। ड्राइंग पेंसिल के नाम से आती है ये 4B है। इसी में हर तरह की ग्रेड मिल जाएगी आपको बहुत आसानी के साथ। ये 6B है और इसका प्राइस फ्रेंड्स, ये मुझे पड़ी थी 6 रुपये की। तो आप सोच सकते हैं कि 6 रुपीज़ में आप एक पेंसिल, वो भी ड्राइंग पेंसिल, आर्टिस्ट पेंसिल आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये वाकई में बहुत सस्ती पेंसिल्स मानी जाएगी। दूसरी पेंसिल है ये आर्टलाइन की पेंसिल, जो लोग काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे इसके रिव्यू करने के लिए। ये भी 6B पेंसिल है, जो कि 8 से 10 रुपये की रेट में मार्केट में आती है। 8 रुपये तो मिनिमम है आई थिंक इसका प्राइस, जो अभी मुझे दिखा था मार्केट में। तो उससे भी सस्ती है ये अप्सरा की पेंसिल, जो कि 6 रुपये में मुझे मिली थी मार्केट में। और कैमलिन की भी कुछ पेंसिल्स हैं, वो भी ऐसी इसी रेट में मिल जाएंगी आपको, 8 रुपये में, 6 रुपये में, 10 रुपये के आसपास में। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसके रिव्यूज़। अगर मैं बात करूँ और कंपेयर करूँ अगर इसको, तो इसमें ऐसा क्या है जो कि ये बहुत सस्ती है, और क्या हम इससे कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखने की बात है यहाँ पर। तो जहाँ तक मैं अभी इसको स्ट्रोक्स देख रहा हूँ इसके, तो मुझे इसमें ऐसा कुछ ख़राबी नहीं नज़र आ रही कि जिससे मुझे मैं ये बोलूँ कि इससे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता या फिर इससे हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम डेफिनेटली इससे बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ इसको हम अच्छे रिजल्ट्स पे पा सकते हैं इसको यूज़ करके। लेकिन इसका ये 6B है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये 6B है इसका, जो कि अच्छे स्ट्रोक्स दे रहा है, और डार्कनेस को भी मैं ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छी डार्कनेस मुझे मिल जा रही है इस पर। मोर और लेस इसकी लेड जो है वो भी एक अच्छी कंप्रेस सी लग रही है, इसमें इनबिल्ट इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़ देखना। अदरवाइज़ जब आप इसको शार्पन करेंगे तो ये बार बार ब्रेक होता है, इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा फ्रेंड्स आप जब भी पेंसिल परचेज़ करें तो, कि इसका जो लेड के साथ जो कॉन्टैक्ट है वुड का, वो बहुत सही होना चाहिए, कंसोलिडेटेड सा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टूटा हुआ है या उखड़ा हुआ है तो फिर इसमें प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे मुझे बहुत सही दिख रहा है इन सभी पेंसिल्स में, तो इससे निश्चित तौर पे अच्छी ड्राइंग की जा सकती है। 4B को मैंने देखिए उस दूसरे तरीके से शार्प कर रखा है, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको नाइफ़ को यूज़ करके। और इसी तरह से आर्टलाइन पेंसिल्स भी एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप यूज़ करते हैं तो, और इसमें भी बिल्ट अच्छा है इसका। वुड का जो कलर है इसका, ये थोड़ा सा मैंगो ट्री के जैसा है, रादर देन इनकी जो वुड का कलर है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को, अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को आपस में। तो इसमें थोड़ा सा ये पेल येलोइश टाइप का है कलर, जो कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही वुड की, जहाँ तक मैं बात करूँ तो। लेकिन इसका वुड मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है, जो कि बाकी अदर स्टैडलर वगैरह पेंसिल्स में जैसा वुड होता है वैसा ही लग रहा है यहाँ पे, बट कह नहीं सकते अभी, ये तो केवल विजुअली देखने पे समझ में आ रहा है इस तरीके का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम छोटा सा एक कंपैरिजन करते हैं आर्टलाइन पेंसिल का विद अप्सरा पेंसिल्स। तो 6B हैं देखिए दोनों की ही पेंसिल यहाँ पे मेरे पास, जिनको मैं यहाँ यूज़ करूँगा। इसकी भी 6B पेंसिल है और ये भी 6B ही है, तो इन दोनों को देखते हैं कि दोनों में क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैं यहाँ सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये हो गया।
अप्सरा का और सेकंड सर्किल में ड्रॉ कर लेता हूँ या आर्ट लाइन पेंसिल का। तो चलिए फ्रेंड्स दोनों से देखते हैं कि इस पे एक छोटा सा हैचिंग करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और दोनों में इसको भी मैं ऐसे दो पार्ट कर लेता हूँ, एक पार्ट में मैं डार्कर वैल्यूज़ ऑप्ट करूँगा, दूसरे में लाइटर वैल्यूज़ को ऑप्ट करूँगा। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी मैं डार्कर वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ और मैं बस देख रहा हूँ कि इसका डिलीवरेंस कितना है पेपर के ऊपर और ये कितना ईजिली स्मज हो रहा है पेपर पे और कितना ईजिली एब्जॉर्ब हो रहा है पेपर। थोड़ा सा मेरा अप्सरा पेंसिल की ओर रुझान इसलिए भी है फ्रेंड्स क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी पेंसिल है और हमारे मेक इन इंडिया में बनी हुई है, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ अदर आर्ट लाइन वगैरह पेंसिल को कंपेयर करूँ तो। जैसे कि आपको केवल प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इंडियन पेंसिल को परचेज़ करें, उसको प्रमोट करें, ना कि किसी आर्ट लाइन पेंसिल को जो कि बाहर की कंपनी है, जापान की कंपनी है, कहीं की है। तो इसलिए मेरा रुझान अप्सरा की तरफ ज़्यादा है फ्रेंड्स क्योंकि एक इंडियन कंपनी है। अब इसके बाद चलते हैं आर्ट लाइन पेंसिल की तरफ। इसका हालांकि जो अगर टिप बोलूं मैं तो इसकी ज़्यादा शार्प टिप थी, इसकी स्मूथ टिप है, तो इस डिफरेंस को भी माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स हमेशा। तो इससे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे हमें फॉर श्योर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा सा कार्बन प्रोडक्शन इसका ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पेंसिल अप्सरा पेंसिल, बट एट द सेम टाइम इसमें बीच में वॉइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं जिसको ब्लेंड करना पड़ेगा फिर फर्दर अगर इस पे प्रोसीड करना है आगे। तो केवल डार्कर वैल्यू से नहीं होता सब कुछ कि आप सोचें कि डार्क चल रही है तो अच्छी चलेगी, लेकिन इसके बीच में जो वॉइड्स हैं जो छूटे हुए हैं वो आप देख पा रहे होंगे। अगर आप देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स यहाँ दिख रहे हैं जो कि इट्स नॉट दैट गुड कि आप बार में उसको फिर आपको स्मज करना पड़ता है या फिर उन उसको हटाने के लिए आपको पेंसिल पेपर ब्लेंडर वगैरह को यूज़ करना पड़ता है, पेपर स्टम को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसमें मुझे स्पॉट्स तो कम नज़र आ रहे हैं लेकिन इसकी जो ओपेसिटी है, जो डार्कनेस है, वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुई है जितनी कि आर्ट लाइन पेंसिल की हुई है। बट जहाँ तक ट्रांजिशन की बात है, जहाँ तक स्मूथनेस की बात है, ये पेंसिल भी बहुत अच्छे से स्मूथली चली है पेपर के ऊपर। अब थोड़ा लाइटर तरफ चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं लाइटनेस में क्या है, लाइंस कितनी अच्छी आती हैं इस पर, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं इससे और ठीक ठाक लाइंस ड्रॉ हुई हैं, काफ़ी अच्छी इस काफ़ी इंडिविजुअल लाइंस दिख रही हैं मुझे इसमें। और यहाँ पे देखते हैं हम तो जैसे कि ये थोड़ा सा रफली शार्पेंड है इसलिए इसकी लाइंस और जो लाइन इसकी ड्रॉ हो रही हैं वो भी ब्रिग्ड लाइन है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि टूटी टूटी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, अगर मैं इसके कंपेयर करूँ तो इसकी काफ़ी फर्म लाइंस हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंडिविजुअल चल रही हैं और बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं इसके कंपैरिजन में। और ये डिफरेंसेस है दोनों में डेफिनेटली कि डार्कर वैल्यूज़ तो मैं इस आर्ट लाइन पेंसिल से ऑप्ट कर पा रहा हूँ लेकिन जो इंडिविजुअल लाइंस हैं, जो स्ट्रोक्स हैं जो मैं डेवलप कर सकता हूँ इससे, वो इससे मैं शायद डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 8 रुपये का पेंसिल और 6 रुपये का पेंसिल में जो डिफरेंस है वो यहाँ आप समझ सकते हैं। और हालांकि एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए तो जैसे सच कोई बहुत खास डिफरेंसेस नहीं है, बिगनर्स के लिए भी मैं बोलूँगा अगर आप 8 रुपये की पेंसिल अफोर्ड करके ऐसे रिजल्ट्स पा रहे हैं तो आप इससे अच्छा है कि अप्सरा वगैरह पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं, तो और कम इन्वेस्ट करेंगे आप उसमें क्योंकि आपका पर्पस केवल लाइन और शेडिंग डेवलपमेंट का है जो कि आप किसी भी अच्छी पेंसिल से कर सकते हैं। और उसमें अगर आपको कम इन्वेस्ट करने को मौका मिल रहा है तो फिर आप अप्सरा के लिए जाइए डेफिनेटली। और अगर आप और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप
फेबर कैसल पेंसिल्स की तरफ जा सकते हैं, जो उसकी ब्लैक मैट पेंसिल आती है वो फिर और अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं। आर्टलाइन को भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत हैंडी है पेंसिल और काफ़ी लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू अदर पेंसिल्स मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसका वुड जो है वो थोड़ा सा हल्की लकड़ी से बनाया गया है इसलिए। तो और इटसेल्फ आप आर्टलाइन की वेबसाइट पे भी अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो उन्होंने इन पेंसिल्स को एमेच्योर आर्टिस्ट की फील्ड में डाला हुआ है, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट पेंसिल नहीं है। अगर आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, आर्टलाइन की वेबसाइट पे भी इसी तरह की डिटेल दी हुई है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजा था, तो आर्टलाइन पेंसिल को उन्होंने एमेच्योर 8 साल से 14 साल 15 साल के बीच की एज में डाला हुआ है इन पेंसिल्स को। तो ये चीज़ एक पॉइंट है जो खुद मतलब जब मैन्युफैक्चरर इस चीज़ को कह रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोफेशनल पेंसिल्स हैं जो कि अच्छे आर्टिस्ट यूज़ करें। लेकिन ठीक है, एक अच्छी पेंसिल है कंपेरेटिव टू अदर पेंसिल्स, अगर जैसे कैमलिन वगैरह से कंपेयर करूँ उसको तो। लेकिन अप्सरा पेंसिल भी डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छी है, और मैं जल्द ही फ्रेंड्स इन पेंसिल को ही यूज़ करके, अप्सरा की पेंसिल को यूज़ करके एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, एक ड्राइंग कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे रिजल्ट्स को ऑप्ट कर पाते हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स मेरा। हाल फिलहाल में ये ट्यूटोरियल मेरा यहीं पे एंड करता हूँ मैं इसको, और आगे के डिसीजंस मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप 6 रुपये की अफोर्ड करते हैं या 8 रुपये की। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं, जो चेंजेस थे वो मैंने, जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा स्वदेशी के बारे में भी सोचिएगा फ्रेंड्स, ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल्स हैं, अप्सरा के बारे में बात करूँ। और जो मेरे रिव्यूज़ हैं इसमें फ्रेंड्स, वो मेरे इंडिविजुअल रिव्यूज़ हैं, हो सकता हो किसी और आर्टिस्ट के कुछ अलग रिव्यूज़ हों, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है फ्रेंड्स। थैंक यू।